आज असम की एक फेमस नॉनवेज रेसिपी के बारे में आप सबसे बात करना चाहती हूँ। एक ऐसी रेसिपी जिसका नाम सुनते ही असम में बहुत लोगों के मुंह में पानी जरूर आ जाता है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। हैशटैग फ्लेवर्स ऑफ असम की एक और मजेदार रेसिपी के साथ मैं डिम्पी मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डक मीट विथ एशगर, डक मीट जिसे हाहोर मांगो एंड एशगर जिसे कुमुरा के नाम से असम में जाना जाता है। डक मीट को एशगर के साथ कंबाइन करके बनाना असम की एक बहुत ही पॉपुलर डिश है, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी डिश जो हर एक असमीज जिसको नॉनवेज पसंद है, हर एक लोगों में ये डिश अपने दिल में बसती है। ये डिश हर एक स्पेशल ओकेजन में, जैसे मान लीजिए बिहू के टाइम, या फिर घर में कोई स्पेशल मेहमान आए हो, या फिर नए साल की शुरुआत में ये पॉपुलर नॉनवेज रेसिपी जरूर बनता है। तो फिर ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप लोगों को असम की इन नए नए फ्लेवर्स के बारे में जानकर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। और मोर सकलो অসমীয়া ভিউয়ার্স সকল, আজি ৰেচিপিটো কিটো সাকে দেখি গম পাইছে, হাঁহৰ মাংস কুমুৰা দি, যাৰ জুতি সদায় আমাৰ মুখত লাগিয়ে থাকে। তেনেহলে আহক আজি দেখুৱাও আমিনো কেনে ধৰণে কুমুৰা দি হাঁহৰ মাংস বনাও, কেনেকে আমি ইয়াৰ সোৱাদ লওঁ, তাৰি অলপ মই আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু মোৰ এই ভিডিঅটো শেয়ার কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। আহক আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। सबसे पहले मैंने डक मीट को मैरिनेट किया है। मैरिनेट करने के लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत जीरा और काली मिर्च का बनाया हुआ एक पाउडर और थोड़ा सा रॉ मस्टर्ड ऑयल, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने 2 घंटे तक डक मीट को मैरिनेट करके रख दिया है। मैरिनेशन मैंने अभी आपको दिखाने के लिए किया है, लेकिन 2 घंटे पहले ही मैंने अब थोड़ा सा डक मीट ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ है। डक मीट के साथ अभी हमें और चाहिए तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये है काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, कुटी हुई प्याज, ये है एशगर्ड, अदरक लहसुन का पेस्ट और आलू। और मैंने यूज़ किया है साबुत जीरा और धनिया का पाउडर जो मैंने घर में ही बना लिया है। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये मीट अपना एक तेल छोड़ती है। तेल के गरम होते ही हम यहाँ पे डालेंगे लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, पिसी हुई अदरक लहसुन का पेस्ट और ड्राई रेड चिलीज और अच्छे से इसे भून लेंगे। और अभी हम मैंने डाला है कुटी हुई प्याज। मैंने 3 बड़े बड़े साइज के प्याज यहाँ पे यूज़ किया है। प्याज के अच्छे से भुन जाने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जीरा पाउडर और धनिया पाउडर जिसे मैंने घर में ही पीस कर बना लिया है। हल्दी डालने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर और उसके बाद नमक और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इन मसालों को एक साथ भून लेंगे। अच्छी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे।
इस डिश में बाजार में जो मसाले अवेलेबल होते हैं जैसे कि कश्मीरी मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, इस तरह का मसाला ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़। आप तीखा जितना पसंद करते हो उस हिसाब से आप तीखा ऐड कर सकते हो। सारे मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जितना भी मीट हमने मैरिनेट करके रख दिया था, उन सारे मीट को ऐड करेंगे। असम में ये डक मीट खाने का बेस्ट सीज़न होता है कार्तिक माह से लेकर बोहाग तक, यानी कि लेट अक्टूबर से लेकर अर्ली अप्रैल तक। मैंने थोड़ी देर इसे ढककर भी पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर से हम मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मीट के साथ। जब ये मीट अपना तेल छोड़ना शुरू करेगी उसी स्टेज में हम डालेंगे एश गर्ड, जिसे हम कहते हैं कुमूरा, और आलू। ये देखिए, अब मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छे से भुन चुकी है। अब ये वक्त है कि हम इसमें अब पानी ऐड कर सकते हैं। अब मेरी डिश बिल्कुल पककर तैयार है। एक बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पे दिख रहा है। इस मीट को कुक्ड होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जब ये कुक्ड हो जाएगा लास्ट में हम यहाँ पे ऐड करेंगे गरम मसाला, जो मैंने साबुत, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, इन सारी चीज़ों को घर में ही पीस कर एक गरम मसाला बना लिया था। इस डिश को हम असम में चावल के साथ खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आप चावल या रोटी किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। असम की इस पॉपुलर रेसिपी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताना ना भूले। इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आप सबसे एक नए रेसिपी के साथ।